राजस्थान के बांसवाड़ा में छोटा सा गांव है चेरापूंजी, जहां जब भी चुनाव होता है नेताजी बड़े बड़े वादों का पिटारा लेकर आते हैं और लंबे लंबे भाषणों से आम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि वोट हमें दें, हम आपके सुख दुख और गांव के विकास को गति देंगे, वो सब सुविधा देंगे जो आम जनता को चाहिए होती है। लेकिन अफसोस, नेताजी के वादे सिर्फ चुनाव में सुनने मिलते हैं, हकीकत तो इससे कोसों मील दूर है। उसी का खामियाजा भुगत रहा है ये गांव, जहां पानी को लेकर आम जनता में घोर संकट पैदा हुआ है। 20 घरों की आबादी वाले इस गांव में कई किलोमीटर दूर तक कोई भी पानी की सुविधा नहीं है, न हैंडपंप है न ही कुआं, यहां तक कि घरों तक जाने के लिए रास्ता भी नहीं बना है, लोग पगडंडियों के सहारे ही आना जाना करते हैं। इसी गांव में 6 लोगों का एक परिवार है, जिसमें 2 लड़के, उनके बहू और माँ बाप हैं। बुजुर्ग माँ बाप अक्सर बीमार रहते हैं, बाकी बेटे और बहुएं दिव्यांग हैं। बेटे विजय और धूलेश्वर को सरकार द्वारा एक आने जाने के लिए 3 पहिया वाली स्कूटी मिली है, जिससे ये गांव में पानी भरने से लेकर सारे काम करते हैं। लेकिन अब इस परिवार की मांग है कि गांव में पानी की व्यवस्था की जाए। इस समस्या को लेकर लिखित में दर्जनों बार सरपंच, सचिव, प्रधान, विधायक, मंत्री सबके सामने अपनी बात पहुंचाई गई है, लेकिन परिवार का आरोप है कि इस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर परिवार ने अब मीडिया का दरवाजा खटखटाया है ताकि उनकी गुहार सुनी जाए। क्या नाम है मैडम आपका और कहां पानी लेने के लिए गए थे आप लोग? मैं हेडपंप में, मेरा नाम सरोज है और मैं विकलांग हूँ और मेरे पति भी विकलांग है और मेरे जेठानी और जेठ भी विकलांग है और मेरे घर पर कोई पानी भरने वाला नहीं होता और हम 4 जने विकलांग और मेरी सासू माँ भी और मेरे ससुर भी जी है, वो ससुर जी बहुत बीमार है और वो सासू माँ है वो भी पानी लाते हैं और वो हम पानी भरने जाते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं और विद्यालय हमारे सरपंच को भी बोला एप्लीकेशन भी लिखे थी पर उन्होंने कोई सुविधा नहीं की। हमारे विद्यालय को भी बोला, सबको मतलब एप्लीकेशन भी लिखे थी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और सरपंच को सबको बोला, फिर उन्होंने कुछ नहीं की। कितना दूर पानी लेने के लिए जाते हैं आप लोग? ये 1 किलोमीटर। कितने घरों के लिए पानी की समस्या है यहाँ पे? 12 घरों के बीच में। आपके घर में कितने लोग हैं? 6 लोग। कितने दिव्यांग हैं? 4 दिव्यांग हैं। 4 दिव्यांग और मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी। ठीक। मेरा नाम धूलेश्वर डोडियार है और मैं स्कूटी लेके पानी लेने के लिए गया था, क्योंकि हमारे यहाँ से पानी मतलब बहुत दूर है और हमारे घर भी 4 विकलांग हैं, तो मैं और मेरे भाई और भाई की पत्नी और मेरी पत्नी और हमारे माता पिता है, वो दोनों बुजुर्ग हो गए और वो पिताजी की भी हालत बहुत ख़राब है और मेरी माँ अकेले हैं, वही कभी कभी थोड़ा पानी लाती है तो पीने का कुछ होता है, बाकी तो नानी दोनों का पानी नहीं होता और कभी स्कूटी है, स्कूटी पर हम दोनों जाते हैं और बहुत कभी कभी जाते हैं तो ऐसे गड्ढों में इधर उधर गिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी भारी समस्या से लगभग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं और बहुत बार यहाँ हमने यहाँ पर पंचायतों में और यहाँ प्रधान और इधर बहुत सारे अधिकारियों से बात भी की, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बारे में कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया, तो इसलिए हमारे यहाँ लगभग हमारे होते हुए भी आसपास के और भी घर हैं तो लगभग 10-12 घर तो उन सभी का मतलब पानी की बहुत समस्या है, तो इसलिए मैं अभी सरकार से अपील करता हूँ कि हमारी जो घर की ये स्थिति को देखते हुए ये समस्या जल्दी से जल्दी थोड़ा समाधान करें। विधायक मंत्री ने किसी भी कोई मदद नहीं करता यहाँ? नहीं, हमने एप्लीकेशन भी बना कर दी थी लेकिन उन्होंने हाँ हो जाएगा ऐसे करके फिर टाइम निकालते गए और उन्होंने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। कितनी दूर से पानी लेने के लिए जाते हैं आप लोग? लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 के आसपास, 1 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से। कितने सदस्य हैं घर के अंदर में? घर के अंदर 5 सदस्य हैं, उनमें से तो 4 तो विकलांग हैं और इसमें एक बूढ़े माता पिता।